हाय फ्रेंड्स, मैं रिचा गिरी फ्रॉम इजी लर्निंग लर्न एंड ग्रो। इस वीडियो में हम और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे, उसके आंसर को जानने की कोशिश करेंगे और उसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करेंगे। ये भी देखेंगे जो ऑप्शंस आंसर नहीं है वो क्यों नहीं है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए। क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। वन एनिमल दैट हैव आउटसाइड ईयर एंड हेयर ऑन देयर बॉडी गिव बर्थ टू द यंग वंस। सेकेंड, एनिमल दैट डू नॉट हैव आउटसाइड ईयर एंड हेयर ऑन देयर बॉडी ले एग्स। थर्ड, एनिमल दैट डू नॉट हैव आउटसाइड ईयर एंड हेयर ऑन देयर बॉडी गिव बर्थ टू द यंग वंस। फोर, एनिमल दैट हैव आउटसाइड ईयर एंड हेयर ऑन देयर बॉडी ले एग्स। ए 1 and 3, बी 2 and 4, सी 2 and 3, डी 1 and 2। फ्रेंड्स, इसकी आंसर की ओर हम बढ़ते हैं। हम बहुत सारे एनिमल्स को ऐसे देखेंगे जिनके ईयर हमें दिखते हैं, उनके बॉडी हेयर भी होते हैं और वो यंग वंस को बर्थ करते हैं, उनके बेबीज होते हैं, वो एग ले नहीं करते हैं। जैसे पिग, बुफेलो, काउ, कैमल, एलिफेंट, तो इनमें हमें ईयर दिखने मिलेगा और हेयर ना के बराबर देखने मिलेगा। एनिमल्स कुछ ऐसे होते हैं जिनके ईयर हमें नहीं दिखते हैं, वो जनरली एग ले करते हैं, उनके बॉडी हेयर्स नहीं होते हैं, जैसे बर्ड, लिजार्ड, फ्रॉग, स्नेक, क्रोकोडाइल एट्सेट्रा। बट हम कुछ एक्सेप्शंस भी देखेंगे, जैसे वेल फिश, डॉल्फिन, ये इनके बॉडी हेयर्स भी न के बराबर है, इनफैक्ट नहीं है, और ये ईयर्स भी इनके नहीं होते हैं। इनके ईयर की जगह स्मॉल होल होता है सुनने के लिए, तब भी ये यंग वंस को बर्थ करते हैं, ये एग नहीं देते हैं। एलिफेंट्स, साइरेनियन, राइनासोरस, ये सब में हम देखेंगे जो हेयर है वो ना के बराबर है। इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग को भी हम देखेंगे हेयर ना के बराबर है, बट ये मैमल्स जो हैं वो एग नहीं देते, बल्कि ये यंग वंस को बर्थ करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका आंसर हमारा 1 and 2 हो गया, जिनका ईयर दिखता है आउटसाइड और बॉडी हेयर होते हैं वो यंग वंस जन्म देते हैं, और जिनके ईयर नहीं दिखते हैं आउटसाइड और बॉडी हेयर नहीं होते हैं वो एग ले करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बी कीपिंग। वन, जनवरी टू मार्च इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। सेकेंड, हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर। थर्ड, बॉक्सेज आर नीडेड फॉर कीपिंग बीज एंड स्टोरिंग हनी प्रोड्यूस बाई देम। फोर, शुगर इज परचेज टू मेक सिरप फॉर हनी बीज। ऑप्शन ए 2 and 3, ऑप्शन बी 1 and 4, सी 1 and 2, डी 2, 3 and 4। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए। हम आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो बी कीपिंग जो होता है उसे हम एपिकल्चर भी कहते हैं, जिसमें हनी बीज जिसमें रहती हैं उस हाइव्स को मेंटेन किया जाता है हनी के प्रोडक्शन के लिए। हनी का क्या क्या यूसेज होता है, ये मेडिसिन बनाने के काम आता है, वैक्स इंडस्ट्री में काम आता है, कॉस्मेटिक्स बनाने में, पॉलिशेस बनाने में काम आता है। बीज जो है वो पॉलिनेशन में भी हेल्प करता है प्लांट्स में, वहाँ प्लांट्स के प्रोडक्शन बढ़ाता है, जैसे सनफ्लावर प्लांट में, ब्रासिका प्लांट में, एप्पल, पियर एट्सेट्रा। कुछ पॉइंट्स जो हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना चाहिए बी कीपिंग से रिलेटेड, एपिकल्चर करते वक्त या बी कीपिंग करते वक्त कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर वन, नेचर के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि हनी बी का कैसा नेचर है, उनका कैसा हैबिट है, और उनके लिए सूटेबल लोकेशन सेलेक्ट करना चाहिए जहाँ की हाइव्स को मेंटेन किया जा सके हनी प्रोडक्शन के लिए। हाइव्स को कैसे कैच किया जाता है, कैसे उसे ग्रुप जो है हाइव्स के ग्रुप को कैसे कैच करना है ताकि वो बाइट ना करे और हम हनी निकाल लें, तो ये सब का एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। डिफरेंट सीजन्स में कैसे मैनेज किया जाता है बी हाइव्स, ये हमें जानना चाहिए, और हनी बी को कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। कुछ इम्पॉर्टेंट हम फैक्ट्स देख लेते हैं बी के बारे में। जो क्वीन बी होती हैं वो एग ले करती हैं हाइव में, तो क्वीन बी के अलावा और कोई एग नहीं देता है, वर्कर बीज भी नहीं। जो मेल बी होते हैं उनके ज़्यादा स्पेशल रोल नहीं होते हैं वर्कर की तरह। जो वर्कर बीज होते हैं वो नेटर कलेक्ट करते हैं फ्लावर से, वर्कर बीज ही हाइव्स बनाते हैं जहाँ हनी बीज रहती हैं, और
बेबीज बी को देखते हैं, उसका केयर करते हैं। हनी बी के स्टिंग जो है वो काफ़ी पेन करता है अगर किसी को बाइट करे तो। हनी 12 kg हनी जो है वो एक बॉक्स से कलेक्ट किया जा सकता है। हनी बी जो है वो एग ले करते हैं, वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय जो है वो बी कीपिंग को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसी टाइम वो एग देते हैं। शुगर सिरप बनाया जाता है हनी बीज के लिए, मेडिसिंस रखे जाते हैं ताकि बी हाइव्स को क्लीन किया जा सके। हनी बीज जो हैं वो लीची फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इनफैक्ट वो सारे फ्लावरिंग प्लांट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो कि नेक्टर रखता है। हनी बी के अलावा टर्माइट्स, वैस्प, एंट, ये सारे कॉलोनी में रहते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है हमारे पिछले CTET में। अब हम एंट के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जो क्वीन एंट है वो एग ले करता है, वर्कर एंट जो है वो फूड कलेक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं। हनी बी के अलावा बबल बी, बटरफ्लाई, बिटल, लेडी बर्ड, मैंटिस, पोलन वैस्प, ये सारे फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करते हैं। ये पोलन ग्रेन्स को खाते हैं, स्टेमन्स एंड पेटल्स को खाते हैं और इंसेक्ट्स को भी खाते हैं। तो हमारा आंसर देख लेते हैं क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का। जनवरी टू मार्च इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग, तो ये रॉन्ग होगा क्योंकि जो मंथ है वो है अक्टूबर से दिसंबर तक, जिस वक्त हनी बी जो है वो एग ले करता है, तो वो बेस्ट टाइम होता है बी कीपिंग को स्टार्ट करने के लिए। हनी बी जो है वो लीची फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होता है, ये हमने पढ़ा, तो ये करेक्ट होगा हमारा। बॉक्सेस आर नीडेड फॉर कीपिंग बीज एंड स्टोरिंग हनी प्रोड्यूस्ड बाय देम, ये भी हमारा करेक्ट होगा, ये हमने पढ़ा। शुगर इज परचेज टू मेक सिरप फॉर हनी बीज, तो ये भी हमारा करेक्ट होगा। तो 2, 3 and 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Next question, the name of the scientist who first peeped into a mosquito's stomach and proved that the mosquito spread malaria for his research was awarded Nobel Prize in Medicine in December 1902 is A. Ronald Ross, B. Charles Darwin, C. Gregor Mendel, D. George Mistral. इस वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए। हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं मलेरिया का। जो मलेरिया है वो डायग्नोस्ड होता है ब्लड टेस्ट में, जो डॉक्टर से वो ब्लड टेस्ट देखते हैं और उसमें प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ डिटेक्ट करते हैं, जिसके प्रेजेंस से वो कंफर्म हो जाते हैं कि जो विक्टिम है ही इज़ और शी इज़ सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। मलेरिया के कुछ सिम्टम्स हैं जैसे फीवर आना, चिलनेस फील करना, रीगर्स मीन्स शिवरिंग होना अचानक से, बॉडी टेम्परेचर हाई होना, स्वेटिंग होना, तो ये सारे रीगर्स कहलाते हैं। ये मलेरिया का सिम्टम है। रॉनाल्ड रॉस जो है वो उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है मलेरिया मॉस्क्यूटो को डिस्कवर करने के लिए, तो यही हमारा आंसर होगा रॉनाल्ड रॉस। आगे और भी फैक्ट्स देख लेते हैं हम। जो मलेरिया है उसका मेडिसिन शिनकोना ट्री के पाउडर्ड बार्क से बनाया जाता है। मलेरिया फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो से फैलता है। मलेरिया जो है वो एंड ऑफ द रेनी सीजन में काफ़ी कॉमन होता है, क्योंकि रेनी सीजन के बाद पानी कलेक्ट हो जाते हैं और पानी के कलेक्शन के कारण ही मच्छर पनपते हैं, जिसके कारण मलेरिया स्प्रेड होने की गुंजाइश होती है। और भी जो ऑप्शंस में साइंटिस्ट के नेम थे उनके बारे में हम देख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया था। चार्ल्स डार्विन, ये एक बहुत ही बड़े नेचुरलिस्ट और बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था और प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लिए ये जाने जाते हैं। ग्रेगोर मेंडल, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने पीस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने ये पाया कि पी का पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है, ट्रेट है, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है। तो आगे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा रॉनाल्ड रॉस, जैसा कि हमने पढ़ा है। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजत सेड टू हिज फ्रेंड, आई कैन नॉट प्ले बिकॉज आई एम डाउन विथ फीवर, आई पास थ्रू अ साइकिल ऑफ शिवरिंग, फीवर एंड हेडेक एंड फाइनली स्वेटिंग। आफ्टर माई ब्लड टेस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब मी अ बिटर मेडिसिन, रजत माइट बी सफरिंग फ्रॉम ए मलेरिया, बी टाइफॉइड, सी डायरिया, डी कॉलेरा। अगर हमने पिछले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखा होगा तो हमने पढ़ा होगा कि ये सारे सिम्टम्स थे मलेरिया पेशेंट में, फीवर आना, शिवरिंग आना, स्वेटिंग होना, और ब्लड टेस्ट के बाद ये
डिसाइडेड हो जाना, ये कंफर्मेशन मिल जाना कि पर्सन जो है वो मलेरिया से गुजर रहा है या नहीं। तो इसका आंसर जो है मलेरिया होना चाहिए, बट हम और भी सिम्टम्स देख लेते हैं और ऑप्शंस के कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मलेरिया का सिम्टम्स है चिलनेस होना, हाई फीवर, स्वेटिंग, हेडेक, नोज़िया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया भी इसका सिम्टम्स हैं। और ब्लड टेस्ट के बाद मलेरिया जो है वो कंफर्म हो जाता है अगर ब्लड में प्लास्मोडियम पैरासाइट दिखा तो। टाइफॉइड, टाइफॉइड का सिम्टम है हाई फीवर और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होना, वीकनेस, हेडेक। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो अपने सिम्टम्स नहीं दिखाते हैं पेशेंट्स के बॉडी में, तो ये भी टाइफॉइड में हो सकता है कि कभी कभी सिम्टम्स ना देखने मिले। वायरल टेस्ट है वो रिक्वायर्ड है बैक्टीरिया टाइफॉइड के टेस्ट को डायग्नोज करने के लिए। डायरिया देख लेते हैं। वैसे हमने टाइफॉइड के टेस्ट को टाइफॉइड को पहले भी देखा था, उसके सिम्टम्स देखे थे और ये भी देखा था कि कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है टाइफॉइड के लिए, तो आप पिछले वीडियो में वो देख सकते हो। अब हम डायरिया का सिम्टम्स देखते हैं। इसमें लूज मोशंस होते हैं, वॉमिटिंग होता है, नोज़िया, क्रैम्प्स होते हैं, जो स्टोमक है उसमें क्रैम्प्स होते हैं, बाउल मूवमेंट फील होता है, पेन होता है एब्डोमेन में, फीवर होता है, तो ये सारे डायरिया का सिम्टम्स हैं। कॉलेरा का सिम्टम्स जो है वो डायरिया भी है, नोज़िया, वॉमिटिंग भी है, बट इसका जो डिहाइड्रेशन है वो कैसे डिफरेंट है वो हम देखते हैं। इसमें इरिटेशन होता है, जो पेशेंट है वो काफ़ी कमज़ोर फील करता है, डेडली फील करता है, उसके आइज़ जो है वो संकन हो जाते हैं, माउथ जो है ड्राई हो जाता है, एक्सट्रीम थ्रस्टी फील करता है इंसान, बहुत उसे प्यास लगती है, उसके स्किन जो है वो ड्राई दिखती है, और अगर उसके स्किन को पिंच किया जाए तो उसमें फोल्ड्स आ जाते हैं। यूरिन जो है वो ऑलमोस्ट नहीं निकलता है, ब्लड प्रेशर काफ़ी लो होता है और हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर होता है। ये सारे कॉलेरा के सिम्टम्स हैं। तो इसका आंसर मलेरिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एलिफेंट हर्ड। ए, एन एलिफेंट हर्ड वॉज मेनली फीमेल्स एंड मेल एलिफेंट अप टू 14 टू 15 ईयर ओल्ड। बी, एन एलिफेंट हर्ड कॉम्प्राइजेज मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली। सी, द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड। डी, एन एलिफेंट हर्ड एकोमोडेट एनी नंबर ऑफ फीमेल्स एंड यंग वंस। ऑप्शन ए सी एन डी, बी ए एन बी, सी ए एन सी, डी बी एन डी। इस वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए। हमने एलिफेंट के बारे में पढ़ा है, उसके फैक्ट्स पढ़े हैं, तो उसके फैक्ट्स अगर हमने ठीक से पढ़ा होगा तो ये हम आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर है ए एन सी। तो फ्रेंड्स, इसके फैक्ट्स को पढ़ने के लिए अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें लिखा हुआ है, उसमें काफ़ी एलिफेंट्स के फैक्ट्स लिखे हुए हैं कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। इनसाइड द पेटल्स इन द मिडल ऑफ द फ्लावर वी फाइंड अ थिन पाउडरी स्ट्रक्चर कॉल्ड ए स्टिग्मा, बी एंथर, सी पोलन, डी रेडिकल। फ्लावर के हम पार्ट्स को देख लेते हैं। जो कलर्ड पोर्शन है उसे हम पेटल्स कहते हैं, जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो सेपल्स है। ये जो तीन दिख रहा है, तीन तीन, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। ये जो बीच का पोर्शन है यहाँ से यहाँ, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो एंथर है, सबसे ऊपर वाला पोर्शन एंथर है और ये पोर्शन फिलामेंट है। ये दोनों मिलके स्टेमन कहलाता है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें सबसे ऊपर स्टिग्मा है, बीच में स्टाइल है और यहाँ पे ओवरी होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। यही ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है, जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट होता है। ये तीनों मिला के स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इसे हम कार्पल कहते हैं। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथर को देख लेते हैं। एंथर में लोब्स होते हैं, पोलन सैक्स होते हैं, उसमें पोलन ग्रेन्स होता है। यही जो पोलन्स हैं वो हवा, पानी या किसी भी माध्यम से स्टिग्मा के ऊपर जाता है। स्टिग्मा में एक ट्यूब बना होता है जिसे हम पोलन ट्यूब कहते हैं, जो कि इस पिक्चर में दिख रहा है। पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आया, वो पोलन ट्यूब से अंदर गया, यहाँ ओवरी के अंदर गया और एग के साथ
फर्टिलाइजेशन होता है जिससे एक नया एम्ब्रियो फॉर्म होता है. दिख रहा है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो ये जो पोलन सेक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं वो पाउडरी सब्सटेंस होते हैं, काफ़ी थिन होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं. अगर हम हाथ में ये पोर्शन लें और इसे प्रेस करने की कोशिश करें तो वो पाउडरी सब्सटेंस हमारे हाथ में लग जाएगा. वहीं पोलन ग्रेन्स हैं तो हमारा आंसर होगा पोलन. ये पेटल्स के बीच में होता है. पेटल्स के बीच में हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होते हैं. बट अगर पाउडरी सब्सटेंस कहा जाए तो वो आंसर है पोलन ग्रेन्स. डी ऑप्शन में रेडिकल भी है तो हमें रेडिकल भी जान लेना चाहिए कि रेडिकल है क्या. जो सीड्स होते हैं उसमें से फर्स्ट जर्मिनेशन जो रूट्स बनाता है वो रेडिकल कहलाता है. तो ये प्राइमरी रूट होते हैं. सीड्स में एक पोर्शन प्लूम्यूल होता है, दूसरा पोर्शन रेडिकल होता है. तो रेडिकल रूट बनाता है और प्लूम्यूल जो है वो शूट बनाता है. वो स्टेम, लीव्स, फ्लावर एट्सेट्रा जो सॉइल के ऊपर वाले पार्ट होते हैं वो बनाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्ड मूव देयर नेक वेरी ऑफन बिकॉज. जो बर्ड है अपने नेक मूव करते हैं काफ़ी फ्रिक्वेंटली, उसका क्या कारण है देखते हैं. ए, देयर आईज आर कवर्ड विद फेदर्स. बी, दे कैन फ्लाई. सी, द बर्ड साइज आर फिक्स. डी, द बर्ड्स हैव स्मॉल आईज. अगर हम ए ऑप्शन देखें तो हमने नहीं देखा होगा कि बर्ड का आईज जो है वो फेदर्स से कवर्ड होता है, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हम कर सकते हैं. बी, दे कैन फ्लाई. यस, दे कैन फ्लाई. बट क्या हमने फ्लाई करते हुए बर्ड को नेक मूव करते हुए देखा है? शायद ही हमने देखा होगा. हमने हमेशा देखा है कि बर्ड्स बैट के नेक मूव कर रहे हैं इधर उधर देखने के लिए, तो शायद ये हमारा आंसर ये भी नहीं हो. सी, द बर्ड्स आईज आर फिक्स्ड. डी, द बर्ड्स हैव वेरी स्मॉल आईज. तो सी और डी जो है उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है. तो हम आगे बर्ड्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आईज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव, सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड टू सी अराउंड. जो बर्ड्स हैं उनके आईज फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं कर सकती हैं हमारी तरह, तो वो अपने हेड को टर्न करते हैं इधर उधर देखने के लिए. बहुत सारे बर्ड्स होते हैं उनके दोनों साइड्स आईज होते हैं. ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को, दो डिफरेंट थिंग्स को एक साथ फोकस कर सकते हैं. अगर ये स्ट्रेट देखते हैं अपने हेड से तो ये दोनों आईज से एक ऑब्जेक्ट पर फोकस करने की कोशिश करते हैं. पीजन, स्पैरो, पैरट, कुकू एग्जाम्पल है जिनके दोनों साइड्स में, दोनों हेड के साइड्स में आईज होते हैं. आउल ऐसा एक बर्ड है जिसके फ्रंट साइड में आई होता है, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग. तो इसका करेक्ट आंसर होगा द बर्ड्स आईज आर फिक्स्ड. बर्ड्स आईज जो है वो स्मॉल भी होती हैं, बट हमारा बेस्ट आंसर द बर्ड्स आईज आर फिक्स्ड होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर डायग्नोसिस अ डॉक्टर सेज टू अ पेशेंट दैट देयर इज अ लेस हीमोग्लोबिन इन द ब्लड. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड ही ईट टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. तो हमें ये देखना है कि आयरन रिच कौन कौन सा फूड सब्सटेंस है. ए, आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जैगरी. बी, राइस, शुगर, आंवला. सी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, वीट, ऑरेंज. डी, जैगरी, लेमन. पी, तो अगर हम ए ऑप्शन देखें तो हमें आंवला दिखेगा. आंवला में विटामिन सी होता है, आयरन भी होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में भी आयरन होता है, जैगरी जो है उसमें भी आयरन होता है. तो ये जब हम आयरन डेफिशिएंसी से गुजरते हैं, आयरन की हमारे में कमी होती है, ब्लड की कमी होती है, तो हम ये सारे आइटम्स खाते हैं. तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब हेमोग्लोबिन ब्लड में नहीं है, उस कम है, तो कौन से ऐसे फूड सब्सटेंस खाने हैं जिससे आयरन की डेफिशिएंसी कम हो. तो आंवला होगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और जैगरी होगा. तो दिस कुड बी आर आंसर. बट हम और भी ऑप्शंस देख लेते हैं. राइस, शुगर एंड आंवला. जो राइस है उसमें हमें ज़्यादातर स्टार्च देखने मिलेगा, शुगर में शुगर हमें देखने मिलेगा, आंवला उसमें आयरन मिलता है बट राइस और शुगर में नहीं मिलेगा. तो ऑप्शन बी नहीं होगा. सी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होगा आयरन, वीट में आयरन ज़्यादा नहीं होते हैं, उसमें स्टार्च होता है, ऑरेंज में विटामिन सी हमें देखने मिलता है. तो सी ऑप्शन भी हमारा परफेक्ट नहीं है. डी, जैगरी में आयरन है, लेमन में ज़्यादातर विटामिन सी है, स्कॉर्बिक एसिड मिलता है, पीज में प्रोटीन मिलता है. तो डी ऑप्शन भी हम डिस्कार्ड कर सकते हैं. जो परफेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ए होगा, आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड जैगरी.
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. नलिनी वांट्स टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑन एनिमल्स आर फ्रेंड टू क्लास थर्ड स्टूडेंट. इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक मोर इंटरेस्टिंगली द बेस्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी वुड बी टू ए आस्क द स्टूडेंट टू सी द पिक्चर ऑफ डिफरेंट एनिमल गिवन इन द टेक्स्ट बुक, बी यूज अ चार्ट शोइंग पिक्चर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, सी ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल ऑन द ब्लैक बोर्ड, डी शो अ वीडियो फिल्म ऑन एनिमल्स एंड देयर यूजफुलनेस. यहाँ पे क्वेश्चंस में एनिमल को फ्रेंड दिखाने की बात की जा रही है, तो फ्रेंड एनिमल तभी दिखेगा जब उसका यूसेज हम जानेंगे. तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो यहाँ पे पिक्चर्स की बात की जा रही है डिफरेंट एनिमल्स के टेक्स्ट बुक में, तो यहाँ कोई यूसेज नहीं है, तो ये हम ऑप्शन डिस्कार्ड करते हैं. सेकेंड में भी पिक्चर ही है, कोई यूसेज नहीं दिख रहा है, इसे भी हम डिस्कार्ड करेंगे. थर्ड में जो है वो ब्लैक बोर्ड पे डिफरेंट एनिमल्स का पिक्चर है, अगेन यहाँ पिक्चर है ब्लैक बोर्ड पे जिसे ड्रॉ करने की बात हो रही है, तो यहाँ यूसेज नहीं दिखाई दे रहा है. फोर्थ में हमें बताया जा रहा है कि एनिमल्स और उसके यूजफुलनेस क्या है, तो यूजफुलनेस अगर हम जानेंगे तभी हमें पता चलेगा एनिमल्स जो है वो फ्रेंड है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. नेपेंथस इज अ प्लांट विच ट्रैप्स एंड ईट्स फ्रॉग्स इंसेक्ट्स इवन माइस इन आर कंट्री. दिस प्लांट इज फाउंड इन ए असम, बी उड़ीसा, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मेघालय. पहले भी हमने नेपेंथस पे क्वेश्चन देखा था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने जाना था, अभी हम देखते हैं कि ये कहाँ मिलता है, थोड़ा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और भी देख लेते हैं. इसे ट्रॉपिकल पीचर प्लांट भी कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसका लीव्स है वो मॉडिफाइड हो जाता है पीचर स्ट्रक्चर में. तो अगर पूछा जाए कि कौन सा पार्ट इस प्लांट का मॉडिफाइड होता है पीचर स्ट्रक्चर में, वो है लीव्स. ये डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है और डाइजेस्ट करता है. ये शैलो वाटर वाले एरिया में मिलता है और मार्शी लैंड वाले एरिया में मिलता है. मार्शी लैंड वाला एरिया वो एरिया होता है जो लो लाइंग एरिया होता है, जहाँ थ्रू आउट ईयर पानी भरा होता है, कीचड़, कादा एट्सेट्रा हम कह सकते हैं. ये ज़्यादातर खासी हिल्स ऑफ मेघालय में मिलेगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा है नेपेंथस कैसियाना. इसके लोकल लोग इसे ट्यू रेकॉर्ड कहते हैं, जिसका मतलब है डेमोन फ्लावर और डेवरिंग प्लांट, जिसका मीनिंग जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं राक्षसी प्रवृत्ति का फूल. तो इसका आंसर होगा मेघालय. नेक्स्ट क्वेश्चन. वन पश्मीना शॉल इज एज वार्म एज डैश नॉर्मल स्वेटर एंड डैश आवर्स आर टेकन टू वीव अ प्लेन पश्मीना शॉल. ए 6200, बी 10250, सी 10200, डी 6250. फ्रेंड्स इस वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए. इस क्वेश्चन को जानने के लिए हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जानना ज़रूरी है. तो पश्मीना शॉल जो है वो 6 नॉर्मल स्वेटर्स के बराबर होता है, वो जितना 6 नॉर्मल स्वेटर्स गर्मी देते हैं उतना ये पश्मीना शॉल वार्मनेस देता है. ये काफ़ी थिन होता है, वार्म होता है, सॉफ्ट होता है, और ये ऐसे गोट से कलेक्ट किया जाता है जो कि काफ़ी हाई एल्टीट्यूड्स पर मिलता है, जिसकी हाइट 5000 मीटर के बराबर होती है. यहाँ पे टेम्परेचर होता है काफ़ी लो होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के काफ़ी नीचे चला जाता है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है. जो ये गोट हैं यहाँ इनका हेयर ग्रो होता है ताकि अपने आप को एक्सट्रीम कोल्ड से बचा सकें. ये हेयर्स ही पश्मीना शॉल बनाने के काम आता है. तो ये समर सीजन में शेड हो जाता है. इनके हेयर इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने थिन होते हैं कि इनके 6 हेयर्स ह्यूमन बीइंग के 1 हेयर के बराबर होते हैं, और ये मशीन द्वारा वीव नहीं किया जा पाता क्योंकि बहुत सॉफ्ट और बहुत पतला होता है, इसलिए इसे हैंड द्वारा बनाया जाता है. कश्मीर के वीवर्स जो है इसे हैंड द्वारा बनाते हैं, उसे बनाने के लिए 250 आवर्स लगता है एक प्लेन पश्मीना शॉल को बनाने के लिए, और एम्ब्रॉयडरी वाले बनाने के लिए इससे अधिक समय लग जाता है. इसका आंसर डी होगा, 6 and 250. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. अ साइंस टीचर एडमिनिस्टर्ड अ टेस्ट आफ्टर टीचिंग द टॉपिक ऑन रेस्पिरेशन एंड ऑब्जर्व दैट द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट डिड नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग. दिस कुड बी ड्यू टू द रीजन दैट ए शी कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलेटेड कॉन्सेप्ट इफेक्टिवली इन द क्लास, बी शी वॉज नॉट देयर क्लास टीचर, सी द स्टूडेंट कुड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन करेक्टली, डी there was usually lot of indiscipline in the class. वन बाय वन ऑप्शंस देखते हैं. वैसे तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बट ये क्यों करेक्ट है ये भी हम देख लेते हैं, और क्यों नहीं करेक्ट है ये देख लेंगे हम. शी कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलेटेड कॉन्सेप्ट इफेक्टिवली इन द क्लास, दिस कैन बी द रीज़न. तो ये रीज़न हो सकता है स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग में गैप होने का,
इसलिए हो सकता है क्योंकि हम जनरली सिस्टम को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं किसी भी त्रुटियां में, या अगर स्टूडेंट फेल होता है उसे किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती है तो हम सिस्टम को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि सिस्टम इफ़ेक्टिव नहीं है इसलिए स्टूडेंट फेल हो रहा है या उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है, तो ये रीज़न हो सकता है। दूसरे क्यों नहीं होंगे वो हम देखेंगे, और ये बेस्ट ऑप्शन क्यों है ये हम देखते हैं। शी वॉज नॉट देयर क्लास टीचर, तो क्लास टीचर होने ना होने से कोई संबंध नहीं है स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग में। सी द स्टूडेंट कुड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन करेक्टली, स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं समझा करेक्टली। क्यों नहीं समझा? क्योंकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, और वो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज टीचर के पढ़ाने के बाद भी उसे नहीं आया क्योंकि अंडरस्टैंड जो टीचर ने पढ़ाया वो इफ़ेक्टिव नहीं था। तो ये रीज़न हो सकता है, बट इसका जो मेन कॉज है वो ए है, शी कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलेटेड कॉन्सेप्ट इफेक्टिवली इन द क्लास। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी, देयर वाज यूजुअली अ लॉट ऑफ इनडिसिप्लिन इन द क्लास। ये भी इरिलेवेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रैटेजी विल बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट इन टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड चेन? ए आस्क स्टूडेंट टू कलेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, बी आस्क स्टूडेंट टू copy all examples of different food chain written on the blackboard, C make play card of organism and ask student group to arrange them to depict different food chains, D ask student to explore possible food chain operating in different habitat. फ्रेंड्स, इस वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए। हम वन बाय वन ऑप्शंस देखते हैं। आस्क स्टूडेंट टू कलेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, ये रीज़न नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। ये वही बात हो रही है जैसे स्टूडेंट खुद से किताब से पढ़े। तो ये रीज़न, इससे बेटर ऑप्शन हमें मिल सकते हैं वो हम आगे देखते हैं। वैसे हमारा सी आंसर होगा, बट ये क्यों है ये भी हम देख लेंगे, और दूसरे क्यों नहीं है ये भी हम देख लेंगे। बी आस्क स्टूडेंट टू कॉपी ऑल एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट फूड चेन रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो ये रोट मेमोरी से रिलेटेड है। यहाँ पे कॉपी करने की बात की जा रही है कि बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसको बस कॉपी करना है, तो दिस इज़ related to rote method, और ये effective नहीं होगा conceptual understanding develop करने में students के। See, make play card of organism and ask student group to arrange them to depict different food chains, यहाँ पे maximum involvement हो रहा है क्योंकि play card को लेके जो प्ले कार्ड है उसमें organism बने हुए हैं, उनको arrange करना और एक proper सिस्टम बनाना, एक प्रॉपर फूड चेन बनाना, उसमें स्टूडेंट अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं, रीजनिंग लगा रहे हैं कि ये फूड चेन होगा या नहीं होगा। तो इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड हो रहा है, इसमें ग्रुप एक्टिविटी हो रही है, और इसमें लर्निंग बाय डूइंग हो रही है, इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो दिस कैन बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी हम देख लेते हैं क्यों नहीं है। आस्क स्टूडेंट टू एक्सप्लोर पॉसिबल फूड चेन ऑपरेटिंग इन डिफरेंट हैबिटेट, दे कैन एक्सप्लोर बाई आस्किंग और बाई ऑब्जर्विंग बट नॉट प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं तो ये भी अच्छा ऑप्शन है, बट ये सी से अच्छा ऑप्शन नहीं है क्योंकि सी में जितना इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जितना ट्रायल एंड एरर मेथड हो रहा है, ग्रुप एक्टिविटी हो रही है, लर्निंग बाय डूइंग हो रही है, उतना डी में नहीं हो रहा है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एयर पंप इज केप्ट इन एन एक्वेरियम इन ऑर्डर टू ए मेक वाटर क्लीनर, बी प्रोवाइड मोर कार्बन डाइऑक्साइड टू वाटर प्लांट्स, सी अलाउ मोर ऑक्सीजन टू डिजॉल्व इन वाटर, डी इनहेंस द ब्यूटी ऑफ द एक्वेरियम। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए। हम इसके पीछे का कुछ कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करते हैं। जो वाटर पंप होता है वो एग्जैक्टली टू थिंग्स करता है, एक सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, दूसरा सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इंक्रीज सरफेस एरिया हो जाता है तो उससे सर्कुलेशन भी इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज सरफेस एरिया होने के कारण जो वाटर है
उनमें कैपेसिटी बढ़ जाती है, उन्हें अपॉर्चुनिटी बढ़ती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करें सरफेस की तरफ और ऑक्सीजन को वाटर के अंदर इनटेक करें। इसी से रिलेटेड क्या होता है, जो वाटर सर्कुलेशन है वो भी इम्प्रूव होने लगता है, जिसके कारण वाटर में जो ऑक्सीजन, जो बाहर का ऑक्सीजन है सरफेस पे, वो वाटर में डिसॉल्व होने लगता है और जो अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो सरफेस की ओर जाते हैं और निकल जाते हैं बाहर की ओर। तो यहाँ पे हम अब प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या ऑप्शन होना चाहिए हमारा। हमारा मेक वाटर क्लीनर, तो जो एयर पंप है वो तो क्लीन कर रहा है बट दिस इज़ नॉट द मेन रीज़न। बी, प्रोवाइड मोर कार्बन डाइऑक्साइड टू वाटर प्लांट्स, तो यहाँ पे अगर वाटर प्लांट्स बाहर में हैं ऊपर सतह पे तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है बट जो मेन काम हो रहा है वो हो रहा है ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रहा है वाटर में, वाटर सरफेस एरिया बढ़ रहा है प्लस सर्कुलेशन में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, गैसियस सर्कुलेशन में इम्प्रूवमेंट हो रहा है जिसके कारण ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व हो रहे हैं वाटर के अंदर। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी, इन्हेंस द ब्यूटी ऑफ एक्वेरियम, ये भी करेक्ट होगा बट दिस इज़ नॉट द मेन रीज़न। हमारा ए, बी और डी रिलेवेंट है बट द बेस्ट ऑप्शन इज अलाउ मोर ऑक्सीजन टू डिसॉल्व इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, स्टडी द वेन डायग्राम गिवन बिलो। यहाँ पे वेन डायग्राम दिया हुआ है, ये तीन सर्कल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरसेक्टेड है, ये जो पॉइंट है एक्स पॉइंट, यहाँ तीनों मिल रहा है। तो ये कहा जा रहा है ये सर्कल, ये एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो लैंड पे रहते हैं, ये वो एनिमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं, ये वो एनिमल्स हैं जो एग ले करते हैं। तो ये जो बीच में इंटरसेक्शन है ये तीनों ही होंगे, ये वो एनिमल भी होगा जो लैंड में रह रहा है, वाटर में भी रह रहा है और एग भी लेकर रहा है। तो वो क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए क्रोकोडाइल, बी एल, सी शार्क, डी फिश। तो क्रोकोडाइल जो है वो लैंड में भी रहता है, हम देखते हैं वाटर में भी रहता है, एग ले करता है, यस ये एग ले करता है। तो दिस विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। एल क्या है, एल एक फिश है जो कि वाटर में रहता है केवल, सी शार्क है ये भी वाटर में रहता है, डी फिश है ये भी वाटर में रहता है। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट है वो ए होगा, क्रोकोडाइल, ये एल फिश का फोटो है। फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइफ प्रोसेस अकर्स बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ए ग्रोथ एंड फूड मेकिंग, बी रिप्रोडक्शन एंड फूड मेकिंग, सी रिप्रोडक्शन एंड जर्मिनेशन, डी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो अगर हम ऑप्शन वन देखें, ए ग्रोथ एंड फूड मेकिंग, तो ग्रोथ है वो एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है, फूड मेकिंग है वो केवल प्लांट्स करते हैं क्योंकि प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉप्स हैं, और ऑटोट्रॉप्स मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट को कहते हैं जो कि प्लांट में होता है, उसी की हेल्प से फोटोसिंथेसिस होता है। एनिमल्स जो हैं वो हेटरोट्रॉप्स हैं, वो ऑटोट्रॉप्स नहीं हैं, वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड बनाने के लिए। तो अगर हम ऑप्शन की ओर जाएं तो ए ऑप्शन हम डिस्कार्ड करेंगे क्योंकि फूड मेकिंग केवल प्लांट करता है, एनिमल नहीं करता है। बी रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एनिमल भी करता है, प्लांट भी करता है, अगेन फूड मेकिंग केवल प्लांट करता है, तो बी ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। सी रिप्रोडक्शन एंड जर्मिनेशन, तो रिप्रोडक्शन तो प्लांट और एनिमल दोनों करता है बट जर्मिनेशन केवल प्लांट करता है, तो सी ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। डी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही प्लांट्स और एनिमल करता है, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर द वर्ड्स इंटीमेटली रिलेटेड, ए मॉस्क्यूटो मलेरिया एनीमिया आयरन, बी आयरन मलेरिया एनीमिया ब्लड, सी आयरन हेमोग्लोबिन एनीमिया आंवला, फोर मॉस्क्यूटो डेंगू आयरन जैगरी। फ्रेंड्स इस वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए। अगर हम ऑप्शंस देखें
सबसे पहले ऑप्शन हम देखते हैं और चारों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। हमें मॉस्क्यूटो से मलेरिया को कनेक्ट करना है, मॉस्क्यूटो से एनीमिया को कनेक्ट करना है, मॉस्क्यूटो से आयरन को कनेक्ट करना है। सिमिलरली मलेरिया को मॉस्क्यूटो से कनेक्ट करना है, फिर मलेरिया को एनीमिया से कनेक्ट करना है और मलेरिया को आयरन से कनेक्ट करना है। सिमिलरली एनीमिया को मलेरिया से, मॉस्क्यूटो से, आयरन से, चारों एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। अगर नहीं है कनेक्शन तो वो हमारा ऑप्शन होगा, वो हमारा आंसर होगा। तो मॉस्क्यूटो मलेरिया से कनेक्टेड है, ये करेक्ट है। मॉस्क्यूटो अनीमिया से कनेक्टेड है, ये नहीं होना चाहिए। तो यहीं पे हम इस ऑप्शन को डिस्कार्ड करते हैं। सेकंड, आयरन से मलेरिया कनेक्टेड है, तो नहीं, आयरन से मलेरिया कनेक्टेड नहीं है, यहीं पे ये डिस्कार्ड हो गया। आयरन ब्लड में होता है, ब्लड की कमी से अनीमिया होता है, ये तीनों तो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बट यहाँ पर मलेरिया ऑप्शन में नहीं होगा। सी थ्री ऑप्शन, आयरन हेमोग्लोबिन एनीमिया आंवला, तो आयरन हेमोग्लोबिन से कनेक्टेड है, आयरन एनीमिया से कनेक्टेड है, आयरन आंवला से भी कनेक्टेड है, और एनीमिया हेमोग्लोबिन से कनेक्टेड है आयरन से। ये हमारा जो चारों ऑप्शन है थर्ड में, वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो दिस कुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बट हम फोर भी देख लेते हैं, मस्क्यूटो डेंगू आयरन जैगरी। मस्क्यूटो डेंगू से कनेक्टेड है, मस्क्यूटो आयरन से नहीं कनेक्टेड है, ना ही जैगरी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे भी इंटरलिंकिंग नहीं बन रही है। तो इस तरीके से हम ऑप्शंस देखेंगे तो थ्री विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अ फिश डाइज व्हेन इट इज़ पुट इन एक्वेरियम फिल्ड विद प्रीवियसली बॉइल्ड वाटर बट कूल टू रूम टेम्परेचर। दिस हैपन्स बिकॉज द वाटर इन द एक्वेरियम इज ए अनफिट फॉर स्विमिंग बाय फिश, बी डिप्लीटेड इन ऑक्सीजन, सी अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय फिश, डी डिप्लीटेड इन मिनरल्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए। हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखें, फिश डू नॉट यूज़ द ऑक्सीजन दैट इज़ बाउंड टू वाटर मॉलिक्यूल्स, दे यूज़ O2 दैट इज़ डिजॉल्व इन वाटर। यहाँ जो फिश है वो H2O होता है वाटर का फॉर्मूला, तो H2O का जो O है वो फिश नहीं यूज़ करता है, फिश वो ऑक्सीजन यूज़ करता है जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं, वो O2 यूज़ करता है जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं। जब वाटर को हम बॉयल करते हैं तो बहुत सारा डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, और उस वाटर को टाइम चाहिए होता है वापस से ऑक्सीजन कंपनसेट करने में, इसलिए उन टाइम पीरियड में फिश मर जाते हैं। हम मिनरल्स का भी केस देख लेते हैं कि मिनरल डिप्लीट होता है या नहीं होता है। अगर हम कुछ क्वांटिटी वाटर को बॉयल करते हैं, उसे कूल करते हैं, तो हम देखेंगे मिनरल का अमाउंट जो है उस वाटर में रहता है। वाटर इवोपोरेशन के कारण वाटर की क्वांटिटी डिक्रीज होती है, बट जो मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन है वो कंपैरेटिवली वाटर वो बढ़ने लगता है, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी डिक्रीज होती है। हम पॉट में देखेंगे वाइट डिपॉजिट जम जाते हैं, जो वाइट पर्टिकुलेट्स होते हैं वो मिनरल्स होते हैं पॉट के अंदर, तो हम कह सकते हैं मिनरल्स जो है वो डिप्लीट नहीं होता। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एज एन ईवीएस टीचर यू प्लान टू टेक स्टूडेंट टू अ ज़ू, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी वुड यू नॉट अलाउ द स्टूडेंट टू अंडरटेक। ए कलेक्ट फोटोग्राफ्स ऑफ द एनिमल दे एक्सपेक्ट टू सी एट द ज़ू, बी टेक देयर ड्रॉइंग बुक अलॉन्ग विद देम टू ड्रॉ वॉट दे सी एट द ज़ू, सी टेक अलॉन्ग लॉट्स ऑफ eatables for the animal at the zoo, D try to find out the food taken up by different animal at the zoo। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए। ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन दिख रहा है। अगर हम ए ऑप्शन देखें तो बच्चे जो हैं वो फोटोग्राफ्स कलेक्ट कर रहे हैं अपने जाने से, ज़ू में जाने से पहले, कि ये सारे एनिमल्स को देखेंगे, उनका एक्सपेक्टेशंस है। तो फोटोग्राफ्स कलेक्ट करना ज़ू में जाने से पहले बुक से, कॉपी से, वो इट्स अ गुड थिंग, ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच दिख रहा है बच्चों में। बी टेक देयर ड्राइंग बुक अलॉन्ग विद देम, यहाँ पे ड्राइंग की बात की जा रही है, तो बच्चे एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं और इससे वो कुछ सीख रहे हैं।
तो बी भी ऑप्शन हमारा सही होगा. सी टेक लॉन्ग लॉट ऑफ ईटेबल्स फॉर द एनिमल्स एट द जू. जू में कोई भी एनिमल्स को खिलाना, अगर कोई बाहरी इंसान कुछ खिलाता है तो वो अलाउड नहीं होता है. यहाँ पे जू अथॉरिटी एनिमल्स के फूडिंग का केयर करती है. तो सी ऑप्शन जो है वो नहीं होना चाहिए. तो यही पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा एक्टिविटी है जो अलाउड नहीं है जू में. तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. डी हम देख लेते हैं, ट्राई टू फाइंड आउट फूड टेकन अप बाय डिफरेंट एनिमल एट द जू. तो यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स के फूड को देखना कि कौन कौन से एनिमल कौन कौन से फूड खा रहा है, यहाँ पे लर्निंग बढ़ रही है स्टूडेंट्स की, चाइल्ड की, चिल्ड्रन की. तो ये ऑप्शन अलाउ किया जाएगा. सी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसका डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा होगा. फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.